आईपीएल के 13वें सीजन के पहले क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हराया। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम पांचवा खिताब जीतने से मात्र एक कदम दूरी पर है। पिछली बार मुंबई ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को एक रन से शिकस्त दी थी। इससे पहले मुंबई 2017, 2015 और 2013 में चैंपियन बनी थी। दुबई में खेले गए मैच में मुंबई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट गंवाकर 143 ही रन बना सकी। दिल्ली के लिए मार्क स्टोनिस ने 46 बॉल पर 65 रन की पारी खेली। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। सीजन में दोनों टीम के बीच यह तीसरा मुकाबला खेला गया। तीनों बार मुंबई ने ही जीत दर्ज की। लीग राउंड में पहले अबू धाबी में 5 विकेट से हराया, उसके बाद दूसरी बार दुबई में 9 विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली की शुरुआत बेहद ही खराब रही। टीम ने बिना खाता खोले ही 3 विकेट गंवा दिए थे। पहले ही ओवर में तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे को पवेलियन भेजा था। पृथ्वी का कैच विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक ने लिया, जबकि रहाणे LPW आउट हुए। इसके बाद दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने शिखर धवन को क्लीन बोल्ड किया। मुंबई के तेज गेंदबाज बुमराह ने 4 विकेट लेकर दिल्ली को संभलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, मार्क स्टोनिस और डेनियल सैम्स को आउट किया। इसमें धवन और सैम्स खाता भी नहीं खोल सके, जबकि अय्यर ने 12 और स्टोनिस ने 65 रन बनाए।